गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसी प्रिपरेशन चल रही है आप सब लोगों की? सुपरवाइज़र, तो जो हमारा फ्री कोर्स चल रहा है उसी कोर्स का पार्ट फाइव जो है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपका स्पेशलाइजेशन पे आ रहा है सोशोलॉजी का, तो उसके आज हम नेक्स्ट 20 क्वेश्चन जो है इसमें कवर करेंगे। जो बच्चे आज नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और साथ में टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें, वहाँ पे अब हमारे रेगुलर जो पीडीएफ मटेरियल है फ्री ऑफ कॉस्ट, वो आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। जो हमारा पहले पेड मटेरियल होता था, अब हम फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं आप लोगों को। और आपने सिर्फ क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है और लाइक भी ज़रूर करें और अपना फीडबैक भी दें कमेंट सेक्शन में, ठीक है? तो जल्दी से शुरू करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु डिफाइंड फैमिली एज मोर और लेस ड्यूरेबल एसोसिएशन ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ विद और विदाउट चिल्ड्रन और ऑफ ए मैन और वुमेन अलोन विद चिल्ड्रन। तो ये जो फैमिली को डिफाइन किया गया है, ये किसने, किस सोशोलॉजिस्ट ने ये डिफाइन किया फैमिली को? ध्यान से पढ़ना इस स्टेटमेंट्स को, फिर उसके बाद इसका आंसर देना। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? ए आंसर है, दैट इज़ ओकबर्न एंड निमकॉफ जो है इज़ द करेक्ट आंसर। अब सेकेंड क्वेश्चन जो है, द टर्म फैमिली डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। तो कौन से वर्ड से फैमिली को डिराइव किया गया है? फैमिलीज, फैमिली, फैमुलस या फैमिली से? तो इसका जो सही आंसर है वो सी, फैमुलस से जो है फैमिली को डिराइव किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, तो ये हमने अभी ही पढ़ा, द टर्म फैमुलस जो है ये किस लैंग्वेज से डिराइव किया गया? अभी हमने पढ़ा पीछे, ये लैटिन से डिराइव किया गया है। उसके बाद फिर 84 क्वेश्चन जो है, अब उसके बाद पूछा गया है कि मीनिंग ऑफ फैमुलस क्या होता है। अब ज़रा जल्दी बताएं, मीनिंग ऑफ फैमुलस क्या होता है? ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे, और इसका जो सही आंसर है वो है बी, सर्वेंट जो है वो मतलब होता है किसका? फैमिली का, फैमुलस का, सॉरी नॉट फैमिली। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द बेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फैमिली एज मैट्रियार्चल एंड पैट्रियार्चल। अब बेस पूछा गया है क्लासिफिकेशन फैमिली का, जो मैट्रियार्चल होती है एंड पैट्रियार्चल में क्या बेस है उसका? लाइनेज है, रेजिडेंस है, डिसेंट है या अथॉरिटी? जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का, ये अच्छा आंसर है, अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर है वो रहेगा आपका डी, अथॉरिटी। ओके, अथॉरिटी के ऊपर बेस हमारी होती है ना, मैट्रियार्चल पैट्रियार्चल, मतलब कि जो हमारी फैमिली होगी तो उसका हेड कौन होगा, जो हेड होगा तो उसके पास क्या होगी, फैमिली को चलाने की अथॉरिटी होगी, है ना? तो व्हाट इज़ अ टर्म फॉर फैमिली इन विच अथॉरिटी इज़ हेड बाय फीमेल्स। अब आ गया कि कौन सी ऐसी फैमिली होती है, ठीक है, जिसमें हेड कौन होती है, फीमेल होती है, अथॉरिटी किसके पास होती है, फीमेल के पास। अच्छा क्वेश्चन है जी, मैट्रियार्चल, मोनार्की, पॉलीगैमी या पैट्रियार्ची? तो जल्दी से आंसर बताएं इसका, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे और बताएंगे जो मैट्रिया, ये जो फैमिली हेड बाय फैमिली फीमेल्स होती है, ये हमारे इंडिया में कौन कौन से एरियाज़ में देखने को मिलती है, ठीक है? इसका जल्दी से आंसर बताएं, अच्छा क्वेश्चन था ये भी, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 87, डैश इज़ द फैमिली इन विच अथॉरिटी वेस्टेड इन मेल मेंबर। अब मेल मेंबर का पूछा गया है, तो मेल मेंबर जब उसके पास अथॉरिटी होती है तो वो कौन सी फैमिली होती है, पैट्रियार्ची, पॉलीएंड्री, मैट्रियार्ची एंड पॉलीगाइनी? तो इसका आंसर भी आप बताओगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द टर्म मैटर इन वर्ड मैट्रियार्चल। तो मैटर का मतलब क्या होता है, फीमेल, मेल, बोथ मेल एंड फीमेल? तो मैटर का मतलब जो होता है, दैट इज़ आपका क्या होता है, फीमेल मतलब होता है। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट पूछा गया है पैटर, तो पैटर का मतलब क्या होता है पैट्रियार्चल फैमिली में? तो अगर मैटर का मतलब क्या हो गया, फीमेल, तो पैटर का मतलब क्या हो जाएगा, मेल। ओके, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द टर्म आर्ची का पूछा गया है। आर्ची इन द वर्ड पैट्रियार्ची, दोनों में आर्ची है, तो आर्ची का मतलब क्या होता है? ऑप्शन आपके पास है अथॉरिटी, ओनरशिप, डिसेंट या लाइनेज। तो अथॉरिटी, आर्ची का मतलब आपका क्या होता है, अथॉरिटी, ठीक है, क्या होता है, अथॉरिटी, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द बेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फैमिली एज पैट्रीलोकल और मैट्रीलोकल। तो जो पैट्रीलोकल और मैट्रीलोकल फैमिली होती है उसका क्या बेस होता है क्लासिफिकेशन का?
तो ए ऑप्शन है आपके पास पैटर्न ऑफ रेजिडेंस, बी ऑप्शन है डिसेंट होता है, उसके बाद लोकेलिटी, उसके बाद अथॉरिटी। तो जल्दी से बताएं इसका आंसर कमेंट सेक्शन में। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका पैटर्न ऑफ रेजिडेंस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है वो है आपका 92nd क्वेश्चन जो है 92, ठीक है। इसमें पूछ गया डैश, यहाँ पे क्या आएगा, डैश आएगा, डैश इज़ द फैमिली इन विच डिसेंट पासिस थ्रू फादर। जो फादर से डिसेंट पासिस होते हैं वो कौन सी फैमिली होती है, नियो लोकल होती है, मैट्रीनिलियन होती है, पैट्रीनिलियन होती है या मैट्री लोकल होती है। तो इसका जो सही आंसर है अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। तो जो मेल मेंबर से पास होती रहती है, फादर से पास होती है, तो वो क्या होती है, पैट्रीनिलियन। क्योंकि पैटर का मतलब क्या होता है, मेल, और मैटर का मतलब होता है फीमेल। तो जहाँ पे भी आपको पैटर दिखे तो वो क्या होगा, मेल, मेल से रिलेटेड होगा। ओके, विच इज़ अ क्लासिफिकेशन ऑफ फैमिली बेस्ड ऑन लाइनेज। अब लाइनेज पे पूछा गया है इनमें से कौन सी क्लासिफिकेशन है फैमिली की ऑन द बेसिस ऑफ लाइनेज। ऑप्शन आपके पास ए बी सी एन डी, ध्यान से पढ़ें ये ज़रा। तो मैं इसका सही आंसर बताता हूँ आपको। तो लाइनेज के ऊपर जो फैमिली होती है वो कौन सी होती है, मैट्रीनिलियन और पैट्रीनिलियन होती है। ओके, अब नेक्स्ट आ गया, इंपॉर्टेंट है ये भी, हाउ मैनी जनरेशन्स कॉन्स्टिट्यूट द जॉइंट फैमिली। तो जॉइंट फैमिली को कितनी जनरेशन जो है वो उसको मिलके बनाती है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका क्या है, थ्री। तो थ्री जनरेशन्स होंगी तो वो जो है जॉइंट फैमिली जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट पूछी गई है फिर से, इंपॉर्टेंट है ये भी। तो ये स्टेटमेंट जो है ये किसने बोली है, हु डिफाइंड जॉइंट फैमिली एज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु जनरली लिव्स अंडर वन रूफ, हु हीट फूड कुक्ड एट वन हर्थ, हु होल्ड प्रॉपर्टी इन कॉमन एंड हु पार्टिसिपेट इन कॉमन वर्शिप एंड आर रिलेटेड टू ईच अदर एज सम पर्टिकुलर टाइप ऑफ किंड्रेड। तो ये स्टेटमेंट किसने दी है, निमकॉफ ने दी है, कार्वे ने दी है, कूली ने दी है या श्री निवास ने दी है। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट जो किसने दी है, कार्वे ने दी है, कार्वे ने दी है, ठीक है, किसने दी है, कार्वे ने दी है, स्टेटमेंट दी है। अब चलते हैं अगला 96 क्वेश्चन जो है, हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। देखो जो बुक्स होंगी ना वो इंपॉर्टेंट है, तो उनके ऑथर्स जो हैं वो पढ़ लेना। तो ऑथर ऑफ बुक किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, इसका कौन ऑथर है। तो ऑप्शन आपके पास हैं स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं, तो जल्दी से इसका आंसर बताएं। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, इरावती कार्वे जो है वो इसका आंसर है। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो इरावती थे कार्वे, इनका जन्म कहाँ पे हुआ है, वेयर वॉज इरावती कार्वे बॉर्न। तो कहाँ पे इनका जन्म हुआ है, तो इनका जन्म जो है ये बर्मा में हुआ है, ठीक है, कहाँ पे हुआ है, बर्मा में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ 98। तो इसमें पूछा गया है, यहाँ पे आएगा डैश, डैश इज़ द फैमिली एक्सटेंड बियॉन्ड द न्यूक्लियर फैमिली। तो कौन सी फैमिली ऐसी होती है जो न्यूक्लियर फैमिली से बियॉन्ड जो है वो एक्सटेंड करती है। एक्सटेंडेड फैमिली होती है, जॉइंट फैमिली होती है, न्यूक्लियर फैमिली होती है, न्यू लोकल फैमिली होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है एक्सटेंडेड फैमिली, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन जो है अच्छे लग रहे होंगे। डैश इज़ ए फैमिली कॉन्स्टिट्यूटेड बाय हस्बैंड वाइफ एंड देयर अनमैरिड चिल्ड्रेन। तो उस फैमिली को क्या बोला जाता है, न्यूक्लियर फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, जॉइंट फैमिली या फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन, क्या बोला जाता है, डी ऑप्शन पढ़ ले, फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन, ठीक है। तो ये जो फैमिली होती है इसको हम न्यूक्लियर फैमिली ही होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन, विच इज़ द सोशल इंस्टीट्यूशन कंट्रोल एंड रेगुलेट्स द सेक्स लाइफ ऑफ ए मैन। तो कौन सा सोशल इंस्टीट्यूशन जो है वो कंट्रोल रेगुलेट करता है सेक्स लाइफ ऑफ ए मैन, फैमिली, मैरिज, रिलीजन या कम्युनिटी। तो जल्दी से आंसर बताएं इसका, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। मैं अगले लेक्चर में आपको इसका आंसर बता दूंगा। तो हमारे जो है 100 MCQs हो गए हैं सोशियोलॉजी के, अभी ये स्टार्ट ही, अभी हमने बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं इसके कवर करने हैं। तो जैसे ही ये क्वेश्चन सारे कवर हो जाएंगे मैं आपके साथ इसका जो क्या बोलते हैं PDF जो है वो मैं आपके साथ इसका शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो होप आपको हमारे स्टडी मटेरियल से थोड़ी सी हेल्प मिल रही होगी, तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर लिखें, ठीक है। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, मिलते हैं अगले लेक्चर में बहुत ही जल्दी। जय हिंद, जय भारत।